बड़ी खबर बता दें, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया गया है कि 23 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसकी कार्यवाही राज्य और उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है। कोर्ट से इसके लिए अनुमति देने का आग्रह किया गया है। अदालत में हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में पूर्व में पारित किए गए कई आदेश पेश किए, तो आज बड़ा दिन है हेमंत सोरेन के लिए। बजट सत्र में शामिल होने के लिए याचिका पीएमएलए कोर्ट में दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। तो 23 फरवरी से झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होनी है और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? पीएमएलए कोर्ट में आज हेमंत सोरेन की तरफ से दी गई याचिका पर सुनवाई होनी है। जी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक याचिका पीएमएलए की अदालत में कल दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति की मांग अदालत से की है। हालांकि इस मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति अदालत देती है या नहीं, इस पर आज कोर्ट का फैसला होगा। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी और इसके बाद वे होटवार जेल में बंद है। ऐसे में जो झारखंड गठबंधन सरकार का यह बजट सत्र अंतिम बजट सत्र होगा, क्योंकि इस साल जो सरकार का पांचवां वर्ष चल रहा है, यानी यह अंतिम बजट सत्र है और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने गुहार लगाई है अदालत से कि एक अहम बजट सत्र है और गठबंधन सरकार का यह अंतिम बजट सत्र है। यही वजह है कि उन्होंने बजट सत्र में अनुमति मांगा है शामिल होने के लिए। पर देखना होगा, इस मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है तो क्या फैसला अदालत का इस मामले में आता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दी गई याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी।